एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला। बेटा वो क्लिनिक होता कोई पनवाड़ी की दुकान नहीं कि कोई भी चूतिया उसे खोल देगा। और चूतिया ये लड़कियों का ब्यूटी पार्लर तुझे कब से क्लिनिक लगने लग गया है? कुछ भी बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं, इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। भाई आज के टाइम पे तो मजदूर भी दिहाड़ी 300 से ज्यादा लेता और ये चूतिया 300 में इलाज करा रहा है। अब साले क्या बवासीर का इलाज कर रहा है क्या तू क्लिनिक में? एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। भाई वो दवाई है कोई पोलियो की ड्रॉप नहीं है जो 3 बूंद पिलाओगे और छोटे बच्चों का भविष्य सुधारोगे। वैसे पोलियो की ड्रॉप पीने की जरूरत तो तेरे को है, तू बड़ा जरूर हो गया लेकिन तेरा दिमाग अभी भी बच्चों का ही है। आ गया कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। बेटा जिस तरफ तू इशारा कर रहा है वहाँ दवाई कहाँ से निकालेंगे, गटर से निकालेंगे क्या भाई? क्योंकि वहाँ पर हमें कोई बॉक्स नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल खाली है तेरी दिमाग की तरह। मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला आ गई नजर, ला 300 रुपए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। नहीं भाई अगर तू ऐसे इंडिया को प्राउड करेगा ना तो हम सब इंडियन तेरे को यही बोलना चाहेंगे।